Hello and welcome to Chemistry Nuggets, where you can polish your knowledge and clear your doubts. So friends, today's video is question number 1.24 from the NCERT textbook class 11. The chapter name is Some Basic Concepts of Chemistry. So let's start the video and see what numerical is given. So numerical hai, dinitrogen and dihydrogen reacts with each other to produce ammonia according to the following chemical reaction. सो रिएक्शन है N2 प्लस H2 इट गिव्स टू NH3। नाउ ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन है तीन पार्ट में। पहला पार्ट है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस्ड इफ 2 × 10³ ग्राम डाइनाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 1 × 10³ ग्राम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। फाइन। सेकेंड पार्ट है विल एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड एंड थर्ड पार्ट इफ यस विच वन एंड वॉट वुड बी इट्स मास। सो सबसे पहले पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहला पार्ट। तो चलते हैं पहले पार्ट की तरफ। सो सबसे पहला काम जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करते समय करना है वो कि हमें रिएक्शन को चेक करना है कि वो बैलेंस्ड है कि नहीं। यहाँ पर दिया हुआ है N2 प्लस H2 एंड इट गिव्स 2NH3। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन तो 2 है, हाइड्रोजन कम लग रही है तो हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं, 6 है तो इधर भी 3 × 2 = 6। अब हमारा रिएक्शन बैलेंस्ड है। नाउ अब अगला स्टेप करेंगे कि जो भी गिवन है वो अमाउंट लिख लेते हैं। तो नाइट्रोजन हमें दिया हुआ है 2.0 × 10³ ग्राम्स, हाइड्रोजन का मास दिया हुआ है 1 × 10³ ग्राम और अमोनिया का मास हमें निकालना है जो कि अननोन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जो गिवन मास है इसको हम मोल्स में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि मोल्स में कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। अब मास तो गिवन है, मोलर मास कैसे निकालना है ये मैंने पहले भी आपको बताया है अपने पिछले वीडियोस में कि मोलर मास क्या होता है, जो कि उसका एटॉमिक मास होता है उसी को जब ग्राम में बोलेंगे तो वो मोलर मास है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और जब हमने N2 लिया है तो हम लिखेंगे 14 × 2 और ये हो जाएगा 28 ग्राम्स। अब हम मोलर मास को ग्राम्स में यूनिट लेते हैं। उसी तरह हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो H2 का कितना हो जाएगा 1 × 2 और ये 2 ग्राम। सो अब हम ये लेके चलेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। सो हमें क्या करना है, मास अपॉन मोलर मास, मास है 2.0 × 10³ अपॉन मोलर मास हो गया है 28। इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेट करने के बाद 71.43, ये हो जाएंगे मोल्स। इसी तरह हाइड्रोजन का निकाल लेते हैं 1 × 10³ अपॉन 2 और इसका आंसर आएगा हमारे पास 500 मोल्स। अब हमने जो मास ग्राम में था उसे मोल्स में कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इक्वेशन को ध्यान से देखिए। इक्वेशन कह रहा है 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, या हम कह सकते हैं 1 पार्ट ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको अब हम मोल्स के टर्म्स में कहें तो इफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सो देन 71.43 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट्स विद नाउ हाउ मेनी मोल्स ऑफ हाइड्रोजन सो वी विल मल्टीप्लाई विद 3 बिकॉज 1:3 रेशियो इज देयर। सो इफ 71.3 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन देन द हाइड्रोजन विल बी 3 times more और इसका आंसर जो आ रहा है वो आएगा हमारा 214 मोल्स। सो अब हमें यहाँ से ये पता चला अगर हमने 71
0.43 मोल्स नाइट्रोजन के लिए है, तो हमें कितने मोल्स हाइड्रोजन चाहिए, 214 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब एक बात और नेक्स्ट स्टेप है जो गौर करने का है, हमारे पास कितना यूज़ हो रहा है हमारा हाइड्रोजन, 214 मोल्स, और गिवन कितना है, 500 मोल्स। इट मीन्स हाइड्रोजन एक्सेस में है, इस रिएक्शन में है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप जानने का यह है कि जो किसी रिएक्शन में जो रिएक्टेंट कम अमाउंट में होता है उसे हम कहते हैं लिमिटिंग एजेंट। सो यहाँ पर हमारा N2 इज अ लिमिटिंग एजेंट, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन कम है और हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा है। अब लिमिटिंग एजेंट का क्या यूज़ है, इसको क्यों निकालना ज़रूरी है। अब लिमिटिंग एजेंट से ये पता चलेगा कि मास ऑफ अमोनिया फुल्ली डिपेंड अपॉन द मास ऑफ नाइट्रोजन, क्यों, जितना नाइट्रोजन है उसी अनुपात में हमारा अमोनिया बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा एक्सेस में है तो उसमें से कुछ अमोनिया हाइड्रोजन रह जाएगा। ठीक है, तो अब हम नाइट्रोजन से अमोनिया के लिए कैलकुलेशन करेंगे। सो फिर से उसी तरह से कैलकुलेशन करेंगे। अब हम देख रहे हैं एक मोल ऑफ नाइट्रोजन से कितना बन रहा है, 2 मोल ऑफ अमोनिया बन रहा है। सेम चीज़ फिर से करना है, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गिव्स 2 मोल ऑफ NH3। तो अगर एक मोल से 2 मोल बन रहा है तो 71.43 मोल ऑफ नाइट्रोजन विल गिव 71.43 × 2, बिकॉज 2 टाइम्स डबल हो जा रहा है, और इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 142.86 मोल्स। और ये हमारा जितना भी अमोनिया बना है उसकी क्वांटिटी हमने मोल्स में निकाल ली, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया, तो हमें मास निकालना है, मास हमेशा ग्राम्स में होता है, तो अब हम इस मोल्स को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करना है चलिए देखते हैं। सो फॉर्मूला क्या होता है, वही वाला, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें से मास को एक तरफ कर लीजिए तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मास इज इक्वल टू मोल इनटू मोलर मास, ये फॉर्मूला डिराइव हुआ वहाँ से। अब मोल्स कितने आ रहे हैं हमारे पास, 142.86 ये अमोनिया के मोल्स थे। अमोनिया का मोलर मास कितना होता है, मोलर मास ऑफ NH3, तो नाइट्रोजन का भी मैंने बताया था 14, हाइड्रोजन का होता है 1, 14 प्लस 1 इंटू 3, तो कितना हो गया, 14 प्लस 3 17, तो हम यहाँ पर 17 मोलर मास रखेंगे, 17 ग्राम्स हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हमारा इसका आंसर आएगा 2.43 × 10³ ग्राम्स, और यही हमारा मास ऑफ अमोनिया है। ये हो गया हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। अभी हमने देखा था कि 500 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है और यूज़ कितना हो रहा है, 214 मोल्स केवल, इसका मतलब हाइड्रोजन अनरिएक्टेड है, तो हम लिखेंगे यहाँ यस। इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास, यस तो हमने कह दिया कौन सा अनरिएक्टेड है, हाइड्रोजन। अब इसका मास निकालना है, हमने पहले तो निकाल लेना है मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड, तो कितना था, गिवन मोल था 500 और यूज्ड कितना था, 214। ठीक है, तो अनरिएक्टेड कितना बच रहा है, 286 मोल्स। अब इस 286 मोल्स को फिर से हम फॉर्मूला की मदद से
ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे, वही जो अभी फॉर्मूला लगाया था। तो मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। सो मोल्स कितने हैं हमारे 286, मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हुआ, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, तो यहाँ पर एच डाइहाइड्रोजन है इट मीन्स 2 हो गया, 1 into 2, 2। सो आंसर हमारा यहाँ पर जो आने वाला है ये हो जाएगा हमारा 572 ग्राम्स अनरिएक्टेड, और यही हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का, व्हाट वुड बी द मास विच इज़ अनरिएक्टेड। सो यहीं पर आके हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हो चुका है। आपने देखा बहुत ही बेसिक टाइप की कैलकुलेशन थी, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड थिंग नहीं थी। तो इस तरह से न्यूमेरिकल्स को हैंडल करना बहुत आसान है केमिस्ट्री में, इनसे डरिए मत, इनको फेस कीजिए। टिल देन पढ़ते रहिए और सवाल करते रहिए। थैंक यू।